मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। जैसे कि चौपाल का मतलब तो सब लोग जानते हैं, मैंने भी आज कल में जाना है बिकॉज मैं यहाँ की हूँ नहीं। अब जैसे जब सब जानते हैं चौपाल का मतलब होता है कि सब लोग बैठ के एक साथ गॉसिप करते हैं। यूपी बिहार में जैसे हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके कलीग्स मिलके जो धमाल मचाते हैं चौपाल में बैठना है और सारी चीज गॉसिप्स होते हैं, वैसे ही ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का चौपाल है जिसमें आपको अनगिनत वेब सीरीज और भोजपुरी फिल्म्स देखने मिलेगी। और इसमें हमारे सारे एक्टर्स और सारे एक्ट्रेसेस जो है सब लोग आपको एक साथ दिखेंगे। तो आप इसे डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का भी एक ऑटोरी प्लेटफॉर्म आ रहा है। आपको भी देखेंगे मैम इसके ऊपर? ऑफकोर्स देखेंगे, अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी आने वाली है हमारी, तो आप जरूर देखें। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं, कौन कौन सी पाइपलाइन में है आने वाले प्रोजेक्ट? नहीं, मैं मेरी अभी तो रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई ससुरा बड़ा सतावेला, अभी इश्क आने वाली है और कैसे उजाला प्यार और धर्मा और भी कई फिल्में हैं जो आने वाली हैं, आप सबको जरूर देखने मिलेगी और आने से पहले हम आपको जरूर इत्तला करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। I'm really happy, हमारा OTT आ गया है, भोजपुरी OTT आ गया है चौपाल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आप तो कोई फिल्म इसमें आ रही है तो आपको नहीं आएगी क्या मेरी कोई फिल्म या मेरा कोई वेब सीरीज? डेफिनेटली आएगा, हमारा OTT है चौपाल भोजपुरी OTT, तो डेफिनेटली रानी चटर्जी का कैसे नहीं आता था कुछ। और इसके अलावा आप क्या कर रही है अभी? काम कर रहे हैं बस, वेब सीरीज कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बड़ी मस्ती कर रहे हैं जिंदगी में, सब कुछ कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी आप लग रही है, लोग बहुत देखते हैं, पहले से बहुत आपने गेन किया। थैंक यू। आज इस चौपाल में जो तमाम लोग उपस्थित हुए हैं ये उन तमाम लोगों की ही नहीं है बल्कि पूरे भोजपुरी भाषा भाषी के जितने लोग हैं, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब के बीच में हम सब का अपना औचित्य प्लेटफॉर्म चौपाल के रूप में आ रहा है। अमूमन लोग बोलते हैं कि ये फिल्म अगर OTT पे लग जाती तो जैसे मैंने ही बनाई जुगनू या बाबू, तो हमारी भी चाहत रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म पर हो तो सब उसका प्रमोशन बेहतर हो। लेकिन जब उस समय ना बाबुल के टाइम पे OTT ऐसी कुछ नज़र आई, अब आई है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेंट बेस्ड चीज़ें अगर उसको ये इंटरटेन करें OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ जैसे पैरेलली हिंदी इंडस्ट्री का OTT होता है जहाँ कंटेंट बेस्ड चीज़ों को मान्यता दी जाती है, तो ये यकीनन हमारे उन दर्शकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये OTT। हाँ मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और कहीं मैं हूँ, मैं उस तरह की फिल्मों की बात कह रहा हूँ जो कंटेंट प्रधान हो। मैं ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रधान फिल्म नहीं, ये हीरो प्रधान है या कैरेक्टर रोल प्रधान है या हीरोइन प्रधान है, नहीं, कंटेंट होना चाहिए, हीरो सिनेमा हीरो होना चाहिए, बाकी तमाम कलाकार उसके पात्र होने चाहिए। और ऐसी चीज़ें ही OTT पे ज़्यादा प्रमोट की जाती है, दर्शक उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ भी शादी आई है बहुत है, अभी नारी है, परशुराम है, मौजूद है, किसी खुशी है, बहुत सारी फिल्में हैं। डायरेक्ट मैंने 2 फिल्म किया है, जुगनू और बाबुल, आगे भी देखते हैं, आप ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे तो सोचूंगा कि कुछ करूँ। नमस्कार, मैं भी विनय आनंद और आज बहुत खुशी की बात है, आज मैं यहाँ पर आया हूँ अभय सिन्हा जी को बधाई देने के लिए, यशी फिल्म्स को बधाई देने के लिए, क्योंकि अभय जी हमेशा वन ऑफ द बेस्ट मेकर हमारे हैं, वन ऑफ द क्या मैं तो बोलूँगा दी बेस्ट मेकर है, अच्छी फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज भी अच्छा बनाएंगे और बहुत खुशी की बात है। भोजपुरी का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है चौपाल और हमारा बहुत शुभकामना है। और अभी मैं तो हिंदी फिल्म लेके आ रहा हूँ मकान, लेकिन मेरी जो भोजपुरी की पहचान है वो सदा रहेगी और मैं सदा चाहता हूँ कि मेरी भोजपुरी फिल्में जो हैं ये बहुत आगे बढ़ें, ये वर्ल्ड में नाम कमाएँ, ताकि भोजपुरी से मेरा एक अलग लगाव है जो हमेशा रहेगा। और हमारी प्रार्थना है कि और हम रउआ लोग से ये प्रार्थना करें कि रउआ लोग आज ही चौपाल के डाउनलोड करें
भोजपुरिया ताकत है, भोजपुरिया माटी के सुगंज का सिनेमा है। गौवा लोग देखे घर घर में चौपाल के गौवा लोग के पहुँचाए के है, ताकि हर भोजपुरिया कलाकार, हर भोजपुरिया फिल्म मेकर, हर भोजपुरिया कंटेंट जो है रउवा लोग के देखे के मिली, इससे बढ़िया कुछ ना हो सकता। हम अपन जितना भी फैंस बांटे यूपी बिहार झारखंड और पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड रउवा लोग को विनती करा ली, चौपाल के रउवा लोग जरूर डाउनलोड करी, ये हमार भोजपुरी हीरो विनय आनंद की प्रार्थना। कभी ओटीटी में भी आप करना चाहेंगे कोई वेब सीरीज या? मैं अभी हिंदी फिल्म मकान में व्यस्त हूँ, जो मेरे प्रोडक्शन की है, जो कंप्लीट हो गई, मेरी दूसरी हिंदी फिल्म जा रही है, और भोजपुरी तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि भोजपुरी मेरी जान है, मेरी पहचान है। आधे लोग मुझे एज अ भोजपुरी कलाकार जानते हैं, आधे से ज़्यादा, तो ज़रूर ज़रूर करूँगा और ज़रूर चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्में बहुत आगे बढ़ें। जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्में हैं आज पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर रही हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारी भोजपुरी फिल्में जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में कम्पीट करें। और मैं तहे दिल से जो भी कलाकार हैं, जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको तहे दिल से बहुत बधाई देता हूं। पहले जितना दर्शक हमके देखा था सब लोग के साथ प्रणाम बा, और आज बड़ा खुशी के बात बा कि हमने के भोजपुर में भी OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हो गए, जो ना प्लेटफॉर्म के नाम है चौपाल। अब आप लोग के एक से बढ़ के एक वेब सीरीज देखा कि अगर मन बा, अगर वो लोग चाहते लोग कि भोजपुर में बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखी अपन भाषा के देखी, तब कहीं नहीं के जाए कि जो लोग चौपाल ऐप के डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लो और देखी लोग और इन्जॉय करी लोग। जी हमारे जो हमारे जो वेब सीरीज के आवा था उनका नाम बा रणवीर, और टाइटल के हिसाब से आप लोग को मालूम है कि एकदम बहुत ही भारी टाइटल बा, तो पूरा एक्शन से भरपूर बा और अपन माटी के चीज़ रही, अपन माटी के खुशबू रही, देखब लोग तो फील हो कि नहीं हमने बीच के कोनो कहानी बा जौन फिल्माओल गई। चौपाल एक बहुत बढ़िया कदम बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर, आए वाला समय में एकर बहुत ज़्यादा फायदा मिले वाला बा। सब चीज़ तो रहे अपना इंडस्ट्री में, एगो एकरे कमी रहे OTT प्लेटफॉर्म के, तो अब मनोरंजन सीधे दर्शक के मोबाइल पर और बहुत बढ़िया से मिले। छूट ही लागल बा भैया, अभी हम साक्षी शंकर फिल्म के शूटिंग करते रहनी है जौनपुर में, वही दौरान छोटा सा एक्सीडेंट। हमारी सीरीज आ रही है लंका में डंका, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को जो चाहिए हम लोगों ने वो प्रयास किया है, अच्छा लगेगा लोगों को। सर आपकी फिल्म में आने वाली फिल्म, आने वाली फिल्म में हमारी है कल्लू की दुल्हनिया है, राज है एंड शादी मुबारक है, तो अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है। और आज हम लोग आए हैं चौपाल भोजपुरी के OTT लॉन्चिंग में, तो बस मैं यही कहूँगा कि इस पे आप लोग को वेब सीरीज ही नहीं फिल्में भी देखने को मिलेगी, एक से बढ़ के एक वेब सीरीज और फिल्में। आपको कौन सी फिल्म आने वाली है? इसमें यासिफ फिल्म में जितना फिल्म हमारी गई है सारी आएगी, और हमको लगता है कि अधिकतर फिल्में हमारी यासिफ फिल्म में खरीदती है, तो आप लोग को ज़्यादा मज़ा आने वाला है चौपाल, दिखूंगा मैं।